सुधांशु त्रिवेदी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की कि शहजादे को अब होगा भरोसा, कोई सबूत है आपके पास कि बाजवा के पसीने निकले थे या पैर कांपते, कोई तस्वीर, कोई फोटो, क्योंकि राहुल गांधी वो मांग सकते हैं, कोई सबूत, पसीने निकले, पैर कांपे, कोई सबूत त्रिवेदी साहब? देखिए समस्या क्या है, हम बोले तो सबूत, भारत की सेना बोले तो सबूत, अरे भाई अब तो उसने बोल दिया जहां जाकर आपने गुहार लगाई थी कि मोदी को हटाओ, वहीं जाके गुहार लगाई थी ना, इतना खौफ ज्यादा थे और पाकिस्तान को ही खौफ ज्यादा कर दिया। ये तो वो जगह है जिसने आपका नाम सुनहरे वर्क में यूनाइटेड नेशंस में लिख के भेजा था राहुल गांधी जी को, अब भी ये तो वही है ना जिसके लिए आप कह रहे थे कि बालाकोट में जो हुआ था कि कौवे मरे थे कि कुत्ते मरे थे, 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, और उसके बाद आप वो भी भूल गए जब इमरान खान ने जनरल असेंबली में कहा था जो कुछ बालाकोट में किया है उससे ज्यादा खौफनाक ये करने के फिराक में है। इसका मतलब बालाकोट खौफनाक था, और अब आज तो उनका खुद का सांसद ये बोल रहा है, और उसके बाद भी अब तो वही वाली कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मगर समस्या जानते क्या, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि भारत के स्वाभिमान को नीचा रखने की जो एक तीन पीढ़ियों से प्रवृत्ति है वो दिमाग से फितरत नहीं जा रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अमन जी, दुनिया में तमाम देशों में कॉन्फ्लिक्ट है पर हमेशा छोटा और कमजोर देश ये कहता है कि ये बड़ा है और ये ताकतवर है, ये हमें सता रहा है। दुनिया में अनेक बार युद्ध विराम हुए हैं, हमेशा छोटा देश, कमजोर देश, जिसकी सेना हार रही होती है वो युद्ध विराम करता है, मगर हमारा और पाकिस्तान का तो ये रिश्ता क्या है कि 1948 में हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, हमारी फौज जीत रही थी, हमने युद्ध विराम किया, हम यूनाइटेड नेशंस में गए, और उसके बाद हमारी सरकार आने से पहले एक दौर अटल जी का छोड़ दे तो 60-65 साल मुसलसल हम ये कहते रहे ये छोटा है, ये कमजोर है, हमें सता रहा है। बस अब अंतर आया है, अब मैं इसे एक ही वाक्य में कहूंगा कि एक कहावत होती है हम लोग लखनऊ की तरफ कि अमा मियां अब वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाकते उड़ाया करते थे, तो ये जो अमन की आशा के फाकते उड़ाते थे वो दिन लद गए, क्यों लगता है? अब हकीकत तो ये है, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी बहुत ही गंभीरता के साथ एक सवाल, ये आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें भी सवाल उठाया ये, अब राहुल गांधी भारतीय हैं, अब शहजादा कह के आप लोगों ने सवाल पूछा, हिंद की सेना नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की सेना पर तो भरोसा करेंगे, आपको क्यों लगता है जो हिंद की सेना पर भरोसा नहीं कर रहे वो पाकिस्तान की बात पर भरोसा कर लेंगे, क्यों आपको ऐसा लगता है उनको उधर ज्यादा? ऐसा इसलिए लगता है कि उनके ही सांसद और उनके ही नेता भारत की सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं और उसे महज एक निजी बयान कह के दरकिनार कर दिया जाता है, और उन्हीं के नेता जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाते हैं और एलानिया पब्लिक मीटिंग में इमरान खान उनके नेता की तरफ इशारा करके कहते हैं जब तक आप लोग नहीं आएंगे हमारे संबंध नहीं सुधरेंगे। तो इससे बहुत साफ है, इधर छप्पी और उधर गाली। ठीक है, अब्दुल रजा खान मतलब जो पाकिस्तान के सांसद हैं अयाज सादिक, वो कह रहे हैं कि पसीने छूट रहे थे बाजवा के, बाजवा पसीने पसीने थे, बाजवा पसीना पसीना था और उसके पैर कांप रहे थे, पैर बाजवा के कांप रहे थे, जमीन आप लोगों की खिसक रही है मेरे ख्याल से, क्या क्या निकाह आप लोगों ने सेना के लिए, अब पता लग गया ना कौन ज्यादा ताकतवर, कौन डरा हुआ था और कौन डरा रहा था, अब कोई डाउट तो नहीं है पाकिस्तान पर, तो आंख बंद करके मूंद करके भरोसा आप लोग करते हैं ना सर? सर ऑडियो नहीं आ पा रहा, मैं क्या, ठीक है मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत है, मैं वो सही कराता हूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। गुरमीत सिंह सेना सेना में उप प्रमुख रहे, गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत, कोई डाउट गलत नहीं है पाकिस्तान का कि अगर नहीं छोड़ता अभिनंदन को तो रात 9 बजे कुछ हो भी जाता, वैसे पाकिस्तान में तो लोग कह रहे उस वक्त पूछ रहे थे 9 बज गए क्या, अच्छा हुआ 9 नहीं बजे पाकिस्तान के। बिल्कुल अमन जी जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है, देखिए अगर आप 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च का समय देखें तो जिस प्रकार पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया था, डरा हुआ था, आपने देखा है कि उन्हीं के पार्लियामेंट में उन्हीं के जो पुराने स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसा वर्णन किया है उस वक्त में जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है
जो उनका प्रधानमंत्री है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क्या हालत थी, किस प्रकार वो घबराए हुए थे। एक बात तो पक्की है, अगर पाकिस्तान ने उस वक्त में उस दिन गलती की होती तो भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार थी। नहीं नहीं, गलतियां अभी कर रहा है सर, एक स्टेटमेंट बताना जरूरी है, ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर है, माफ करिएगा सर, एक बहुत बड़ी खबर है, पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा। आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी वो कबूल कर रहे हैं कि पुलवामा में हमला इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, पुलवामा अटैक पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है, पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी वो कह रहा है कि पुलवामा में हमला इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि। मेरे को लग रहा है सर 9 बजाने पड़ेंगे पाकिस्तान के। गुरमीत जी कह रहा ना कि 9 बजे अटैक कर सकती थी भारतीय सेना। बिल्कुल अमन जी, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पुलवामा हमने कराया। अमन जी ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए ये जो पाकिस्तान का सच है, असलियत है, हकीकत है, जो इनके कबूलनामे हैं एक एक करके सबके सामने में आएंगे। अभी देखिए जिस प्रकार से उनके हरेक आवाम ने, उनके हरेक लीडर ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान का जो सच है वो पूरा पूरा बताएंगे, और इस हालत में पाकिस्तान की जो सजा है ना केवल भारत देगा, उनकी जो आवाम है, उनकी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इकट्ठा मिलके देंगे। अभी जो समय है देखिए ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि अभी जो सीधे सीधे डायरेक्ट अटैक हो रहा है पाकिस्तान आर्मी ISI बाय नेम, अभी वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वाली बात नहीं रहेगी, अभी वो सिलेक्टर, वो पाकिस्तान आर्मी ISI के जितनी गलतियां हैं वो एक एक करके सामने मुझे में आ रही है। बताइए गुरमीत जी, और आप देखिए इन एंड आउट जानते हैं, मुझे बस ये बताइए, ना छोड़ता इमरान अभिनंदन को या पाकिस्तान अभिनंदन को तो क्या होता, बस ये बता दीजिए। सिंपल सी बात है, हमला होना था और बुरी तरह हमला होना और था। ये पता लग गया था, ये जो POK गिलगित बाल्टिस्तान और उसमें कोई शक की बात नहीं, हमला अवश्य होना था। और उस वक्त में आप सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो भारत का ट्रेंड है ना, जो हार्ड डिसीजन रिजॉल्व और नेशनल विल वाली बात है वो बिल्कुल अलग थी, अलग है और अलग रहेगी इसके बाद में। और उस वक्त में अगर ये 9 बजे का, अगर आप 27 फरवरी की याद करें तो सुबह 11 बजे में विंग कमांडर अभिनंदन, जो भारतीय मतलब एक ऐसा वीर सैनिक जिसका लौटने का इंतजार करते थे सुबह 11 बजे तक, और उन्होंने जो कदम बढ़ाया वाघा बॉर्डर से वो 9:20 का टाइम था, 9:10 का टाइम था। ये बिल्कुल वार्निंग थी उनको सीधे सीधे कि अगर 9 बजे तक वापस नहीं लौटाया जाएगा तो हमला होगा, और हमले के लिए पूर्ण रूप से तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और वैसे भी और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप उस वक्त में देखें तो जो एंटी इंडिया, जो अपना एजेंडा और बायस लिए हुए थे, जो उस वक्त में कह रहे थे कि अनकंडीशनल तरीके से वापस किया है, जो कह रहे थे पीसफुल जेस्चर है, जो न जाने क्या क्या कहानियां कर रहे थे, उनका भी जो झूठ है वो बहुत बड़ी बात आपने के सामने, बहुत बड़ी बात गुरमीत जी, मुझे एकदम से याद आ गया, पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया, याद आ गया गुरमीत जी एक बार बोलने दीजिए, मुझे याद आ गया, मैंने डिबेट करी थी, पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया, इमरान खान का दिल देखिए, कुछ लोग इमरान खान के भक्त हो गए थे, इमरान मतलब एक तरीके से उनका एक क्लब बन गया था कि इमरान ने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल नहीं दिखाया, पिटने के डर से अभिनंदन को वापस सौंप दिया। ये खुद वहां के जो सांसद है अयाज सादिक वो ये कबूल कर रहे हैं कि नहीं छोड़ते अभिनंदन को, बहुत बुरी पिटाई होती, भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता। वो बयान एक बार फिर से सुना दीजिए। मैं चाहूंगा अयाज सादिक, जो कि पाकिस्तान की असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं, मौजूदा सांसद हैं, कैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के डर की पोल खोल रहे हैं और भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा गा रहे हैं, सुना दीजिए एक बार अयाज सादिक को। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मतलब अटैक के डर से भारतीय सेना का खौफ, सोचिए कोई पाकिस्तान में पूछता क्या चल रहा है तो कहते कि भारतीय सेना का खौफ चल रहा है। बचपन में ऐसे कहा जाता था कि सोजा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि सुधर जा नहीं तो भारतीय सेना आ जाएगी।
ठीक कह रहा हूं ना मैम? मेरे साथ अगर अब्दुल रजाक खान, अब अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, पहुंच रही है अब्दुल रजाक खान, पहुंच रही है अब आप? हाँ बोलिए बोलिए अब्दुल रजाक खान, बोलिए अब आप। माफी मांगनी चाहिए आज, भरोसा हो गया भारतीय सेना सशक्त पराक्रम पर भरोसा? देखिए किसी भी तरीके से इस देश की तुलना पाकिस्तान से बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। आप हमेशा पाकिस्तान के साथ तुलना करते हैं, पाकिस्तान को तो पसीने छूटने थे, उनको तो घुटने टेकना ही था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी शान से बोल रहे तो आप कुलभूषण यादव को बुला दीजिए। इलाज के अंदर आपको पता चल चुका है कि बिहार आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, आपके हाथ नहीं आ रहा, अगर वापिस पाकिस्तान उठाइए। क्यों चुनाव जीतने के लिए किसी को पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है? अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार कहां से आ गया? रहे नहीं नहीं, एक मैं अब्दुल रजाक खान, बिहार कहाँ से आ गया? इमरान को बचाना है, बिहार को चर्चा में लाना है, बिहार कहाँ से आ गया? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अलग है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इमरान को बचाना है, बिहार को चर्चा में घुसाना है, बिहार कहाँ से आ गया सर? बिहार कहाँ से आ गया बोलिए ना। भारतीय सेना का खौफ, भारतीय सेना का पराक्रम, डर गया पाकिस्तान, पसीने पसीने बाजवा, पैर कांप रहे थे बाजवा के, पैर बाजवा के कांप रहे थे, जमीन आप लोगों की खिसक रही है। 5 मिनट नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान, यहाँ तो सारी दुनिया जानती है, उनको तो पसीने छूटते ही है। अब इराक को पूरे नए के समझ आ रहा है, भारत की अफगानिस्तान में ऑडियो थोड़ा ठीक करा रहा हूँ आपका, थोड़ा ऑडियो का दिक्कत है, माफ करेगा खान साहब, थोड़ा ऑडियो का दिक्कत है स्काइप की, जरा मैं फिर से ठीक कराऊंगा। अब समझ में आ रहा है बिट्टा साहब, आप समझ में आ रहा है बिट्टा साहब? पहले तो फर्जिकल स्ट्राइक, डर गया मोदी, सेना हार गई, हमने तो बालाकोट हुआ ही नहीं, खून की दलाली, अब समझ आ रहा है सबको?